सारंगढ़ जनपद अब क्षेत्र के महत्वाकांक्षी योजना के सरपंच और रोजगार सहायक धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। ताजा मामला अमलीपाली ग्राम पंचायत का है, जहां मनरेगा योजना के तहत मजदूरों की बजाय ट्रैक्टर और मशीन से काम लिया जा रहा है। ग्राम पंचायत अमलीपाली में रोजगार गारंटी योजना से 5,29,000 की लागत से द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। साथ ही सड़क निर्माण में मजदूरों के बजाय ट्रैक्टर और अन्य मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, जबकि रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मशीनों से काम लिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस योजना में 60% राशि मजदूरों पर खर्च करनी होती है, जबकि 40% सामग्री खर्च पर। आपका जोमस कुमार साहब। अच्छा, आपके यहाँ द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण कार्य हो रहा है, उसमें मुरुम कहाँ से लेके आ रहे हैं? जी उतना नहीं पता है हम लोग को, बाकी ट्रैक्टर से ला रहे हैं, उतना पता है हम लोग। ट्रैक्टर से लाते हैं? दिन को लाते हैं, रात को लाते हैं? जी उतना पता नहीं, क्योंकि दिन को तो वहाँ पर ना बिछाते हैं, रात में लाते हैं कि शाम को लाते हैं उतना पता नहीं। ट्रैक्टर से ला रहे हैं? अमलीपाली पंचायत की महिला सरपंच ने बताया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यों का संचालन उप सरपंच की देखरेख में किया जाता है। वहीं वर्तमान में किए जा रहे सड़क निर्माण कार्य भी उप सरपंच बोधिराम साहू ही संचालन कर रहे हैं। वार्ड 5 भी सड़क निर्माण कार्य में ट्रैक्टर से मुरम लाए जाने की बात कह रही है, पर मुरम का खनन कार्य कब और कहां से हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है। जिस तरह से अमलीपाली में मनरेगा मजदूरों को काम न देकर मशीनों से काम लिया जा रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि कहीं न कहीं इस योजना में फिर घोटाला हो सकता है। सारंगढ़ से संजय चौहान की रिपोर्ट।